हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइज, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। तो गाइज, जैसा आपको पता है, आपका कल गणित का एग्ज़ाम होने वाला है और मैं अपनी पहली वीडियो में आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बता चुका हूँ। और इस वीडियो में मैं आपको मोस्ट इंपोर्टेंट दो नंबर के जितने भी दो नंबर के क्वेश्चन होते हैं मैं बताने वाला हूँ। और ये दो नंबर के क्वेश्चन हर बार हर पेपर में पूछे जाते हैं, चाहे आप कोई सा भी पेपर उठाकर देख लेना, जितने ये क्वेश्चन हैं ये हर बार पेपर में पूछे गए हैं और अब की बार भी पेपर में आपको ये क्वेश्चन मिलने वाले हैं। ठीक है, तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ कि कैसे आप इसको सॉल्व करोगे और किस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक वॉच करना, आपके कम से कम यहाँ से आपको ये पता लग जाएगा कि दो नंबर के क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं और यही क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपका जो क्वेश्चन है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन कितनी बार आपके पेपर में पूछा जा चुका है। ठीक है, ये आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कितनी बार आपके पेपर में आ चुका है। देखिए, इसमें दिया हुआ है टेन ए बराबर रूट थ्री तथा टेन बी बराबर वन अपॉन रूट थ्री। तो टेन ए प्लस बी का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए, अगर हमें टेन ए प्लस बी का मान ज्ञात करना है तो हमें ए और बी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले इसको उठाएंगे, हम उठा लेंगे टेन ए इक्वल में रूट थ्री। ठीक है, अब देखते हैं, क्योंकि हमें ए का मान चाहिए और ए का मान जब भी आएगा जो हम यहाँ से टेन हटा देंगे। तो देखते हैं क्या टेन के पदों में रूट थ्री का मान होता है। हमें पता है जो रूट थ्री का मान होता है टेन ए इक्वल, इसको हम लिख सकते हैं टेन 60 डिग्री। ठीक है, टेन से टेन कैंसिल हो जाएगा तो ए इक्वल कितना आ जाएगा, ए इक्वल आ जाएगा आपका 60। यानी कि ए का मान जो हमारा निकल का आया वो निकल का आया हमारा 60 डिग्री। अब हमें किसका निकालना है, ए से अब हम टेन बी उठाएंगे। हमने उठा लिया टेन बी, वो टेन बी दे रखा वन अपॉन रूट थ्री। ठीक है, तो हम देखते हैं क्या टेन के पदों में वन अपॉन रूट थ्री का मान होता है। तो टेन बी इक्वल ये होता है टेन 30 का मान। टेन से टेन कैंसिल तो बी इक्वल कितना है हमारा निकल के 30 डिग्री। ठीक है, ये हमारा बी का मान भी निकल कर आ गया। अब हमें मान किसका ज्ञात करना है, हमें मान ज्ञात करना है टेन ए प्लस बी का। यानी जो हमें मान निकालना है वो निकालना है टेन ए प्लस बी। तो हम क्या करेंगे, ये हमारा क्या है टेन है और हम ए और बी का मान रखते हैं। ए का मान हमारा 60 डिग्री है प्लस बी का मान हमारा 30 डिग्री है, तो हमारा कितना हो गया टेन 90 डिग्री। ठीक है, और हमें पता है हमारा टेन 90 का मान कितना होता है, ये तो है हमारा टेन 90 का मान होता है इनफाइनाइट। ठीक है, क्या होता है इनफाइनाइट, और ये क्या है इसका सॉल्यूशन है। ठीक है, और ये दो नंबर का क्वेश्चन कितनी बार, पता नहीं कितनी बार आपके पेपर में पूछा गया है। ऐसे क्वेश्चन एक और है हमारे पास, देखिए जो हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नेक्स्ट में क्या दिया हुआ है, यदि साइन ए माइनस बी बराबर वन अपॉन टू। और ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये चार नंबर का आपको क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपका चार नंबर में पूछा जाता है कि साइन ए माइनस बी बराबर वन अपॉन टू एंड कोस ए प्लस बी बराबर वन अपॉन टू। तो ए और बी का मान ज्ञात कीजिए, यानी ये कंडीशन दी हुई है, तो ए और बी का मान ज्ञात करना है। सेम जैसे हमने अभी पहले किया है, हम बिल्कुल सेम ऐसे इस तरीके से ही करेंगे इसको भी। हमने उठा लिया साइन ए माइनस बी इक्वल में वन अपॉन टू। देखिए, हमें ए और बी का मान ज्ञात करना है दोनों कंडीशन से, तो यानी कि यहाँ से साइन और यहाँ से कोस हटाना पड़ेगा जब भी हम ए और बी का मान निकाल सकते हैं। तो देखते हैं क्या साइन के पदों में वन अपॉन टू का मान होता है। हमें पता है जो साइन ए माइनस बी इक्वल, साइन कितना का मान होता है, साइन 30 की वैल्यू होती है, तो साइन से साइन कैंसिल हो गया, यह आया ए माइनस बी इक्वल में 30 डिग्री, और इसको हम मान लेंगे हमारी इक्वेशन नंबर वन। ठीक है, तो अब हम किसको उठाएंगे, अब हम उठाएंगे कोस ए प्लस बी को। कोस ए प्लस बी इक्वल में वन अपॉन टू। अब हम देखते हैं क्या कोस का मान भी, क्या वन अपॉन टू का मान कोस के पदों में होता है। तो कोस ए प्लस बी, और हमें पता है कोस 60 का मान कितना होता है, ए वन बाई टू, कोस से कौन कैंसिल, तो ए प्लस बी इक्वल कितना आ गया 60, और ये हमारी क्या हो गई इक्वेशन नंबर टू आ गई। अब हमारे पास इक्वेशन वन और टू आ गई, और हमें पता है हमने चैप्टर नंबर फोर पढ़ा है, अगर हमें ए और बी का मान निकालना है, जब हम वहाँ से एक्स वाई का मान निकालते थे, तो दोनों इक्वेशन को क्या कर देंगे सॉल्व कर देंगे। तो क्या करेंगे, समीकरण एक वे दो को हल करने पर, हल कर देंगे। इक्वेशन एक क्या है हमारे पास, a माइनस बी इक्वल में 30 डिग्री, दूसरी है a प्लस बी इक्वल में 60 डिग्री। तो क्या करेंगे, प्लस 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 कर देंगे, b से b कैंसिल, a और a कितना हो गए
टू ए इक्वल में 90, यू आगे 45, ए इक्वल आगे हमारे पास 45। अब क्या करेंगे, ए का मान समीकरण दो में रख देंगे, ए का मान समीकरण दो में रखने पर, समीकरण दो यह है, ए का मान यहाँ रखेंगे 45 प्लस में बी और इक्वल में 60 डिग्री। और यह क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह क्वेश्चन कितनी बार आपके पेपर में पूछा गया है, 23 में, 22 में, 20 में, 19 में, सभी में पूछा गया है। इसको पहले ले जाएंगे, बी इक्वल 60 माइनस 45, तो जो बी इक्वल है वो कितना आ गया हमारे पास, 15 डिग्री। ठीक है, और यही हमें क्या था, इसका मान निकालना था ए और बी का। ठीक है, ऐसे हमारे पास एक क्वेश्चन और है, और जो कि दो नंबर में आपका दो साल से लगातार पूछा जा रहा है, इस टाइप का क्वेश्चन दो नंबर में, और जो आपका इंपॉर्टेंट है। सेम यही है जैसे हमने अभी ऊपर किया है, सेम इसी में भी यही काम करना है। हमें दो इक्वेशन दी हुई है, 3x - 2y = 5, 3y - 2x = 3, तो हमें किसका मान ज्ञात करना है, हमें x प्लस वाई का मान ज्ञात करना है। अगर हमें x प्लस वाई का मान निकालना है तो हमें x और y दोनों का मान निकालना होगा। तो देखते हैं, 3x - 2y = 5 इक्वेशन वन, और दूसरी है 3y - 2x = 3 और इक्वेशन नंबर टू। तो हम क्या करेंगे, समीकरण एक व दो को हल कर देंगे, समीकरण एक व दो को हल करने, ठीक है, समीकरण एक व दो को हल कर देंगे। समीकरण एक कितना है, 3x - 2y = 5, और दूसरी क्या है, 3y - 2x = 3। ठीक है, देखिए हमारा 3x और यहाँ 2x है, यानी कि कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 2y और 3y है, यानी कोई सा भी एक इसमें आराम से इजली कैंसिल हो सकता है अगर हम इनको बराबर कर दें। देखिए हम क्या करें, अगर मैं इसमें यहाँ 2 की मल्टीप्लाई करूँ तो ये 6 हो जाएगा, और यहाँ अगर 3 की मल्टीप्लाई करूँ तो ये भी 6 हो जाएगा। तो यानी कि समीकरण एक में तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे किसकी, 2 की, और समीकरण दो में मल्टीप्लाई कर देंगे 3 की। ऐसे मल्टीप्लाई करके आपको सॉल्व करना है। देखिए होगा 3 2 6, और ये भी 3 2 6, ये प्लस का ये माइनस का, क्या हो जाएंगे दोनों, कैंसिल। अब 2 2 4, ये माइनस का 4y, और ये 3 3 9 9y, 9y में से 4y माइनस हुए कितने बच गए, 5y इक्वल 5 2 10, 3 3 9, ठीक है, 5 2 10 और 3 3 9 हो गया 19। तो यानी कि y का मान आ जाएगा हमारा निकल के 19/5। y का मान कितना आया, 19/5। अब हम किसका मान निकाल लेंगे, अब हम मान निकाल लेंगे ऐसे ही x का, y का मान हम उठा के इक्वेशन नंबर वन में रख देंगे, y का मान समीकरण किस में रखें, हम रख देंगे समीकरण एक में, रख दो समीकरण एक में, रख दीजिए कितनों गए, 3x - 2y की जगह रख दिया 19/5 = 5, तो ये हो गया 3x - 38/5 और इक्वल में 5। इसको पहले ले जाएंगे, 3x = 5 + 38/5, एलसीएम ले लेंगे हम इसका, तो एलसीएम कितना आ जाएगा इसका, 3x = 5 ले लिया हमने, 5 5 = 25 + 38, और ये भी इसके अपॉन में आ जाएगा, तो एक्स इक्वल हो जाएगा हमारा 8 और 5 13 3 carry 1 5 4 1 6 और अपॉन में 5 3 15। यानी एक्स और वाई दोनों का मान मिल गया हमें, यानी x का मान ये रहा, y का मान ये रहा और x का मान ये रहा। अब हमें मान किसका निकालना है, हम यहीं पर निकाल लेंगे, हमें मान निकालना है x और y का। तो हम क्या करेंगे, दोनों के मान उठा कर रख देंगे, रख दो दोनों के मान उठा के, x की जगह रखेंगे 63/15 प्लस y की जगह रखेंगे 19/5। ठीक है, और ये क्वेश्चन दो नंबर में और चार नंबर दोनों में आ सकता है, दो नंबर में तो पूछा गया, अगली बार चार नंबर में भी ये क्वेश्चन आ सकता है। दोनों का एलसीएम कितना है, 15, तो ये तो हो गया 63। ये जो कितनी बार डिवाइड रहा है, 3 times 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, 3 9 27, 3 यानी कि 3 9 27, हासिल 2, 3 3 और 2 5, तो दोनों का ऐड कर देंगे, 7 और 3 10, 10 की 0 हासिल 1, 5 और 6 11 और 1 12, और अपॉन में कितने हो गए, 15, और 15 टे कितने होते हैं, 120। तो यानी कि जो हमारा इसका मान निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा हमारा 8। ठीक है, ये क्वेश्चन थे, और ये तीनों क्वेश्चन आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और दो नंबर और चार नंबर आपके 100% पूछे जाते हैं। ठीक है,
तो आप इनको पक्के कर जरूर जाएं। और नेक्स्ट वीडियो में भी थोड़ी शॉर्ट वीडियो बनाई थी, जो शॉर्ट क्वेश्चन थे मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। तो आपको एक लॉन्ग वीडियो आने वाली है नेक्स्ट वीडियो, जो कि आपकी क्या होगी कुछ देर बाद ही अपलोड कर दी जाएगी, और जिससे आपको लॉन्ग क्वेश्चन दिए जाएंगे, सभी लॉन्ग क्वेश्चन होंगे। आपको वीडियो कैसे लगी आप हमें कमेंट में जरूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को भी लाइक करें, और आप किस टाइप के क्वेश्चन चाहते हैं वो भी कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है गाइस, थैंक यू।